ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर के ऊपर आधारित है जिसे अपने ही पेशेंट से प्यार हो जाता है। अब वो डॉक्टर इलाज के साथ साथ उसके साथ और क्या क्या करता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है डेंजरस मेथड और ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को सबीना नाम की लड़की को कहीं ले जाते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग सबीना को एक हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए सबीना की माँ ने ही बोला था। दरअसल सबीना को हिस्टेरिया नाम की बीमारी है और इस बीमारी में इंसान एक साथ कई चीजें करता है जैसे एक ही टाइम पर हंसना और रोना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर काल सबीना का इलाज कराने के लिए उसके रूम में आता है। फिर डॉक्टर काल उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए तुम्हें किसी भी तरह की दवाई या इंजेक्शन नहीं दूंगा और हम बस दिन में एक घंटा तुम्हारे पास के बारे में बात करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद काल सबीना के पीछे जाकर बैठ जाता है और उसे सवाल करने लगता है और इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सबीना की हालत के जिम्मेदार उसके डैड है जो उसे और उसके भाई बहनों को बचपन में बहुत परेशान करते थे। इसके बाद हम काल को उसके घर पर उसकी वाइफ एमा के साथ देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। फिर एक दिन काल जब एमा की कंडीशन चेक कर रहा होता है तो वो अपने साथ सबीना को भी रखता है और इसी दौरान उसे ये पता चलता है कि अगर सबीना की बीमारी ठीक हो गई तो वो एक दिन बहुत अच्छी फिजिशियन बन सकती है। इसके बाद काल एक बार फिर सबीना को उसके पास के बारे में बताने के लिए बोलता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे डैड ने पहली बार तुम्हें कब मारा था। इस पर सबीना उसे बताती है कि जब वो 4 साल की थी तब गलती से उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट गई थी जिसके बाद उसके डैड उसे कमरे में लेकर गए और उसे पीछे से मारने लगे। अब इसे सबीना को बहुत दर्द तो हो रहा था पर इसके साथ ही उसे इससे मजा भी आ रहा था। सबीना को ये तो पता था कि ये बहुत बुरी चीज है पर सबीना को उसके डैड का उसे पीछे से मारना काफी अच्छा लगता था। जिसके बाद जब भी उसके डैड उसे कमरे में जाने के लिए बोलते थे तो वो चुपचाप बिना कोई सवाल करे अंदर चली जाती थी। अब सबीना की ये बातें सुनकर काल भी समझ जाता है कि इसी इंसिडेंट की वजह से सबीना इस बीमारी का शिकार हुई है। अब सीन यही शिफ्ट होता है और हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहां काल अपनी वाइफ एना के साथ डॉक्टर फ्रूट से मिलने उनके घर पर आया है। इसके बाद जब काल डॉक्टर फ्रूट से बात कर रहा था तब हमें पता चलता है कि सबीना की हालत पहले से अच्छी हो गई है और वो काल के कहने पर मेडिकल स्कूल में डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही है क्योंकि काल का ये मानना था कि सबीना एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि जिस मेथड से काल ने सबीना का इलाज किया था उस मेथड का इन्वेंशन डॉक्टर फ्रूट ने ही किया था। पर जब डॉक्टर फ्रूट ने अपने इस मेथड को बाकी लोगों को बताया तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कुछ डॉक्टर्स का तो ये भी मानना था कि ये मेथड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। इसके बाद काल सबीना से मिलने के लिए जाता है और वो उसे बताता है कि आज उसने डॉक्टर फ्रूट से उसके बारे में बात की है और उसे ये बताया कि तुम आगे जाकर एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। अब सबीना को भी ये जानकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो खुद भी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर फ्रूट ऑटो नाम के एक आदमी को उसका इलाज करवाने के लिए काल के पास भेजते हैं। दरअसल ऑटो पहले एक साइको एनालिसिस का डॉक्टर था पर वो धीरे धीरे लड़कियों का एडिक्ट हो गया था और अब उसके इसी एडिक्शन को छुड़वाने के लिए उसके फादर ने उसे डॉक्टर फ्रूट के पास भेजा था। जिसके बाद डॉक्टर फ्रूट ने उसे काल के पास भेज दिया क्योंकि काल ने कुछ साल पहले ही सबीना को उनके मेथड से ठीक किया था। इसके बाद जब काल ऑटो से बात करता है तब उसे पता चलता है कि ऑटो का अपने कई सारे पेशेंट्स के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल ऑटो ये मानता है कि ऐसा करके वो सिर्फ अपने पेशेंट्स को ठीक ही नहीं कर रहा बल्कि वो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनका साथ भी दे रहा है। इसके बाद जब काल सबीना से मिलता है तो उसे बातों के दौरान सबीना उसे किस कर लेती है। अब काल को भी सबीना बहुत पसंद थी इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर जब ये बात ऑटो को पता चलती है तो वो काल को बोलता है कि उसे सबीना को सब कुछ करने के लिए फ्रीडम देनी होगी और इसके अलावा उसे सबीना के साथ गपागपी करना होगा। अब ऑटो की ये बातें सुनकर काल समझ गया था कि उसे क्या करना है पर इसके साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि ऑटो यहाँ पर अपना इलाज करवाने आया था पर वो खुद ही काल को नई नई चीजें सिखा रहा है। इसके बाद एक दिन ऑटो चुपके से उस हॉस्पिटल से भाग जाता है पर जाने से पहले उसने काल के लिए चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने बाप से तंग आकर यहाँ से भाग रहा है इसलिए इसमें काल की कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही वो काल को ये भी बोलता है कि उसे सबीना के साथ गपागपी करना चाहिए। अभी पढ़कर काल अपने आप को रोक नहीं पाता और वो सीधा सबीना के घर चला जाता है जहाँ वो पहली बार उसके साथ गपागपी करता है और इसी के बाद से ही उन दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। अब उनके गपागप का सिलसिला कुछ टाइम तक चलता रहता है और इसी दौरान सबीना काल को कई बार अपने पीछे मारने के लिए भी बोलती है। अभी सबसे काल ये तो समझ गया था कि सबीना की बीमारी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इसी दौरान काल डॉक्टर फ्रूट से भी मिला करता था और वो उसे सबीना की प्रोग्रेस के बारे में बताया करता था पर काल ने अभी तक डॉक्टर फ्रूट को ये नहीं बताया था कि उसने सबीना के साथ गपागप किया है। इसके बाद जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब काल डॉक्टर फ्रूट को बताता है कि वो हमेशा से ही कभी भी फिजियो एनालिसिस का डॉक्टर नहीं बनना चाहता था बल्कि उसे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की स्टडी करनी थी पर इस पर डॉक्टर फ्रूट उसे मना कर देते हैं जिस वजह से उन दोनों में बातें होना कम हो जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर फ्रूट काल से मिलने आते हैं और वो उससे शहर में फैल रही अफवाहों के बारे में पूछते हैं कि एक लड़की शहर में सभी को लेटर्स भेज रही है कि काल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अभी सुनकर काल उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि मेरा किसी के साथ भी कोई अफेयर नहीं चल रहा पर काल को अंदर से डर भी लग रहा होता है कि अगर उसके अफेयर के बारे में किसी को पता चल गया तो पूरे शहर में उसकी इज्जत चली जाएगी इसलिए वो अगले दिन सबीना से मिलकर उसे ब्रेकअप कर लेता है। पर इसे सबीना को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो फिर से हिस्टीरिया बीमारी की पेशेंट की तरह हरकतें करने लगती है। फिर जब काल अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को भी शहर में फैल रही अफवाहों के बारे में पता चल गया है जिस वजह से एना को लगने लगता है कि काल का सचमुच किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो कुछ दिनों के लिए काल से बातें करना भी बंद कर देती है। फिर अगले दिन सबीना सीधा काल के ऑफिस में आती है और उसे बताती है कि लेटर्स वाली बात सबीना की माँ को भी पता चल गई थी और जब उन्होंने काल से इस बारे में पूछा तो काल ने मना कर दिया कि सबीना उसकी पेशेंट नहीं है। अभी सुनकर सबीना को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक तो काल ने उसे छोड़ दिया था और अब वो सबसे झूठ भी बोल रहा था इसलिए सबीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सबीना को अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसी की हेल्प की जरूरत थी इसलिए वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखकर उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही में वो उस लेटर में अपने और काल के रिलेशनशिप के बारे में भी उन्हें बता देती है। अब जब डॉक्टर फ्रूट को ये पता चलता है कि काल और सबीना का अफेयर चल रहा था तो वो तुरंत काल को लेटर लिखकर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा और सबीना का अफेयर चल रहा था। इस पर काल उन्हें जवाब देते हुए लेटर में लिखता है कि सबीना सिर्फ उसकी एक पेशेंट थी और इसके अलावा उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था। अब डॉक्टर फ्रूट काल की इस बात पर यकीन कर लेते हैं और फिर वो सबीना को एक लेटर लिखते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब जब सबीना उस लेटर को पढ़ती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। इसके बाद सबीना काल के पास आती है जो अपनी वाइफ के साथ ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था। वहाँ सबीना काल को उनके रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर फ्रूट को बताने के लिए बोलती है क्योंकि अगर काल ने ऐसा नहीं किया तो डॉक्टर फ्रूट उसकी हेल्प नहीं करेंगे। अब सबीना के बार बार इंसिस्ट करने पर काल उसकी बात मान जाता है और वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखकर उन्हें सब कुछ सच बता देता है। फिर जब डॉक्टर फ्रूट उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो सबीना से माफी मांगते हैं और वो उसे अपने पास बुला लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन सबीना काल से मिलने उसके घर पर आती है। फिर जब एमा और सबीना आपस में बातें कर रही होती है तो सबीना उसे बताती है कि उसने क्रशिन आदमी से शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है। वहाँ एमा भी सबीना को बताती है कि जब से काल ने डॉक्टर फ्रूट से बात करना बंद किया है तब से वो डिप्रेशन में चला गया है इसलिए एमा सबीना को एक बार काल से बात करने के लिए बोलती है। इसके बाद जब सबीना काल से बात कर रही होती है तो वो उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसी का ही बच्चा है। अभी सुनकर काल को भी बहुत अच्छा लगता है और वो सबीना को आई लव यू बोलता है। फिर जब सबीना वहाँ से वापस अपने घर जा रही होती है तो वो रास्ते में रोने लगती है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।